सोलन में रामलीला का मंचन पहली बार बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन से आए कलाकार बेहद रोचक ढंग से रामलीला के किरदारों को निभा रहे हैं। लोगों में रामलीला के प्रति भारी लगाव भी देखा जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष देवी ठाकुर इस मौके पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। राजीव सैजल ने रामलीला मंडल को 21,000 रुपए देने का ऐलान भी किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि भगवान राम ने संसार से बुराई को खत्म कर राम राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि आज बुराई के मायने अलग हैं और संसार में गंदगी रूपी दानव का आतंक है, जिस बुराई को हम देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर खत्म कर सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन अभियान जो हैं केंद्र की सरकार के माध्यम से चले हुए हैं। स्वच्छता अभियान, इस देश को स्वच्छ करने का अभियान, ये कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, ये भी एक ईश्वरीय अभियान है। इस देश की धरती के ऊपर अगर भगवान ने भी अवतार लेने के लिए कोई धरती चुनी तो वो भारत देश चुना। तो ये देश गंदा क्यों रहे, यहां पर गंदगी के ढेर लगे हुए क्यों दिखाई दें, तो उसके लिए तो कोई अवतार नहीं आएगा। तो हमको और आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हमको जो है इस देश को, जो ये ऋषि मुनियों की धरती है, जो भगवान ने जिस देश की धरती के ऊपर जन्म लिया, उस देश की धरती को अंदर से बाहर से साफ करने का जो दायित्व है वो हम सबका है। देश अच्छा होगा तभी अच्छा होगा जब ये बुराइयां समाप्त होंगी, और ये बुराइयां समाप्त कौन करेगा उसके लिए भगवान के अवतरण की इंतजार नहीं करनी। ये छोटे छोटे कामों के लिए भगवान का अवतरण नहीं होता, उनका अवतरण तो जो है वो बड़े महान कार्य के लिए होता है। तो संकल्प में हमारे नरेंद्र मोदी जैसा महान व्यक्ति जो है इस देश को जो है एक अपूर्व देश बनाने के लिए जुटे हैं, उनका हम सबको सहयोग करना है, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।